हरे कृष्णा, आप सबका बहुत स्वागत है प्रातःकालीन जप सत्र में। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार अगर भगवान का नाम श्रद्धा से लिया जाए तो हमारे सारे बिगड़े काम अपने आप ही बन जाएंगे, और इसलिए इस कलयुग में इस हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमने कल देखा कैसे नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कलयुग की बुराइयों को भगाने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है, कैसे लोग कलयुग की बुराइयों से अपने आप को बचा सके। तो ब्रह्मा जी ने हरे कृष्ण महामंत्र बताया और बोला कि सब शास्त्रों में देखने के बाद भी इससे अच्छा कोई उपाय नहीं, नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, ब्रह्मा जी ने उनको बोला। तो भगवान का नाम हमें श्रद्धा से लेना चाहिए, ये हमें विश्वास होना चाहिए कि इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है, इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। और श्रद्धा का मतलब ये है, कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा का मतलब क्या होता है। श्रद्धा शब्द विश्वास करले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले कर्म सर्व कर्म कृत। श्रद्धा शब्द का मतलब है कि यदि मैं कृष्ण की भक्ति करूं तो अपने आप बाकी सब कर्म हो जाएंगे, मुझे बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण भक्ति करेंगे सर्व कर्म कृत। तो कल मैं आपको कह रहा था कि आपको एक कहानी भी बताऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद मुंबई में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहते थे, 1970 की बात, और प्रभुपाद ने वहां पर एक भूमिखंड खरीदा, लेकिन जिससे प्रभुपाद ने वो भूमिखंड खरीदा तो प्रॉपर्टी डीलर बड़ा ही दुष्ट था, उसने वही प्रॉपर्टी 3-4 लोगों को बेच के रखी थी, और उसका बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, उसका अपना एक न्यूज़पेपर भी चलता था, और इस्कॉन में सारे नौसिखिया भक्त थे, उसमें से अधिकतर पाश्चात्य देशों से आए हुए थे, वेस्टर्न डिवोटीज, तो भारत में कैसे चीजें काम करती हैं वो भी उनको पता नहीं था। तो इस प्रकार से उसने सोचा कि इस्कॉन का वो प्रॉपर्टी का पैसा लेकर चूना लगा देगा, धोखा दे देगा। लेकिन प्रभुपाद ने भी राधा रास बिहारी को वचन दिया था कि वो मंदिर वहीं बनाएंगे, तो बड़ी लंबी लड़ाई चली, कोर्ट केसेस हुए, लेकिन उसके पास तो सब कुछ था, बड़े बड़े वकील थे, उसका अपना न्यूज़पेपर था, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स थे, तो कभी गुंडों को भेजता था, कभी पुलिस को भेजता था, पुलिस भी उसके ही साथ थी, गुंडे भी उसके पास थे। और प्रभुपाद के जो शिष्य थे उस समय के पाश्चात्य शरीर वाले, तो बोले प्रभुपाद क्या आप इस जमीन को छोड़ क्यों नहीं देते हैं, हमें इतनी परेशानी हो रही है। प्रभुपाद ने कहा देखो मैंने राधा रास बिहारी को वचन दिया है कि मंदिर यहीं बनेगा, तो मैं भी लड़ाई करूंगा। और ऐसे करके ऐसा लग रहा था कि इसका कोई अंत ही नहीं है, प्रभुपाद भी नहीं मान रहे थे और वो व्यक्ति मिस्टर नायर जिसने जमीन बेची थी वो भी नहीं मान रहा, बड़ी भयंकर लड़ाई चल रही थी, वो सब सोच रहे थे पता नहीं अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा। लेकिन एक दिन अचानक से मिस्टर नायर को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया करीब, और फिर बहुत आसानी से इस्कॉन को वो जमीन मिल गई। आज वहां पर राधा रास बिहारी जी विद्यमान है, इस्कॉन जुहू मुंबई में। तो ये क्यों संभव हो सका प्रभुपाद ने बाद में बताया। एक दिन प्रभुपाद मंदिर में आए, देखे वहां पे कीर्तन नहीं हो रहा है, तो प्रभुपाद ने भक्तों को बुलाया, टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया, बोले कीर्तन क्यों नहीं हो रहा है। प्रभुपाद भक्त लोग बाहर गए हुए हैं, बोले क्या खाक बाहर गए हुए हैं, बोले देखो हम लोगों के पास पैसा नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, फिर भी हम मिस्टर नायर के अगेंस्ट जीत गए, वो इसलिए जीत गए क्योंकि हम भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास नाम है, भगवान का नाम है बस, इसलिए हम जीत गए, और आप कीर्तन भी बंद कर देंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं। प्रभुपाद ने उनको कहा कि कीर्तन कभी भी रुकना नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो। प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत,
भगवान कृष्ण की भक्ति करके और विशेष रूप से हरि नाम की शरण लेते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तस्मात संकीर्तनम विष्णु जगत मंगल अम। भगवान के नाम का कीर्तन पूरे जगत के लिए मंगलकारी है, जो भी हमारे हित में होता है, जो भी हमारे कल्याणकारी होता है, जो भी हमारे लिए शुभ होता है, जो भी हमारे लिए अच्छा होता है, ये भगवान के नाम संकीर्तन से अपने आप हो जाता है। ये कलयुग का सबसे बड़ा वरदान है।